दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, खासकर करवा चौथ माता को करवा चौथ के दिन भूल कर भी ये तीन चीजें कभी ना चढ़ाएं, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ऐसी पूजा कोई भी सुहागन महिला ना करे, करवा चौथ का व्रत खंडित हो जाता है और आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। करवा चौथ माता को ये तीन चीजें भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही साथ जानिए पूजा करने की शुभ मुहूर्त। दोस्तों यह व्रत गौरी माँ से संबंधित है, इसलिए सच्चे दिल से एक बार कमेंट्स में जय माता पार्वती जरूर लिखिए। माता रानी के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। दोस्तों अधिकतर औरतें करवा चौथ के दिन ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है करवा चौथ का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। करवा चौथ के दिन एक गलती भी व्रतधारी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। वेद शास्त्रों में बताया जाता है खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को ये तीन चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे आपके पति पर कष्ट संकट आ सकते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत इस साल 2022 में अक्टूबर के महीने में यानी कि 13 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन गुरुवार है और पूजा करने की मुहूर्त है 6:01 से लेकर 7:15 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय है 8:19, जो कि इस बात चांद जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों सुहागन औरतों को करवा चौथ का दिल का इंतजार बड़ी बेसब्री से रहता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। करवा चौथ का पर्व भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत बड़े प्यार से निभाती है। करवा चौथ का व्रत बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी पूरे विधि विधान के साथ निभाती है। करवा चौथ का पर्व बहुत ही खूबसूरत पर्व माना जाता है। इससे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती है। यह पति पत्नी के जीवन में खुशियां लाता है और प्यार को भी दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। यह व्रत पति भी पत्नी के लिए रख सकता है। आइए अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो हमें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे कि हमें पाप ना लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा की किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करनी चाहिए। और साथ ही जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां इस व्रत को रख सकती हैं। यदि इसके अलावा जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती हैं अर्थात नफरत करती हैं तो इसे व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्यौहार प्यार का प्रतीक माना गया है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है, इसीलिए धार्मिक कार्यों में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों करवा चौथ का व्रत तब रखा जाता है जब तक चांद ना निकल आए। वेद शास्त्रों के अनुसार माना जाता है पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति व्रत रख सकते हैं। किसी महिला को यदि इसके अलावा मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ के तो शामिल हो सकती है लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह अपने घर में किसी और सदस्य से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा पाठ करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भजन भी सुन सकते हैं लेकिन भगवान की मूर्ति को बिल्कुल भी न छुए। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप हर साल करती आ रही हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को बिल्कुल भी ना छुएं। मासिक धर्म में व्रत रखने की बिल्कुल भी मनाही नहीं है। ये आप मासिक धर्म रोगी के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं जिससे आप कोई समस्या से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन हमारी सलाह आपको यही रहेगा कि मासिक धर्म को रोकने की मेडिसिन का उपयोग ना ही किया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों यह तो भगवान के ही दिन है और इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप व्रत रखें, बस पूजा का सामान ना छुए और पूजा किसी और से करवा ले। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं भी इस करवा चौथ के व्रत को रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर्स की राय अवश्य लेनी चाहिए। दोस्तों पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे आप भी खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिलाओं का मंगलसूत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
इससे आपके पति पर संकट आ सकती है। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा आपसे हो सके मांग में पूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सची सवरी महिलाएं बहुत अच्छी लगती हैं और देती हैं सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माँ पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र गले में हर हर मय होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इससे चौथ माता बहुत ही प्रसन्न रहती है और देती है वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी या लाल या मेहरून ऐसा रंग के पहन सकते हैं। साथ ही भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जूड़ा रखा है तो ये तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आप इसे भी पहन सकते हैं या किसी भी मार्केट से नया जूड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को करवा चौथ के दिन क्या नए चढ़ाएं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब आप करवा चौथ के लिए पूजा का सामान खरीदें तो याद रहे सीखी या तिलिया टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, जो कि हम दिखा रही हैं। इन सीखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ औरतें 8 भी इस्तेमाल करती हैं। वहीं जब आप बाजार से करवा खरीदें तो करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ तथा चटका हुआ करवा चौथ माता को चढ़ाने से आपका व्रत नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना जाता है। वेद शास्त्रों के अनुसार माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो बिल्कुल नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखिए कि चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और इसके साथ साथ आप चटकी हुई और टूटी हुई चूड़ियां बिल्कुल भी ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत ही योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुराने पिछले साल की करवा चौथ की छलनी यूज कर सकते हैं या इसके अलावा आप बाजार से भी नई लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, जब चौथ माता के लिए आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, ये शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल करने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। माता के लिए जब आप नारियल अर्पित करें तो वह चट्टा वाला अर्थात पानी वाला नारियल होना चाहिए और माता के लिए लाल चुनरी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा जहाँ कर रहे हैं उसके आसपास का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। उसके आसपास झाड़ू पोछा रखा हुआ नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटाकर रखने चाहिए, क्योंकि ये यदि ऐसा होता है तो इसे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, वेद शास्त्रों में कहा जाता है कि चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती जहाँ झाड़ू पोछा जूते चप्पल अगर सामने पड़े होते हैं। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी को लाल कपड़े से सजाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो वह फटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना जाता है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए और तस्वीर पर फूलों की माला जरूर चढ़ा लेनी चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या फिर आपको बैठकर अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा जब आप पढ़ें तो आपकी मुट्ठी में थोड़े से चावल होने चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।